डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बस आपको एक क्वेश्चन का फोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, या आपके CBSE का हो, या UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12th का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। क्लास 9 to 12th के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी को आपको यूज करना है और सॉल्व करना है। अब फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या, वो आपको मैं बता देता हूं यहां पर। वो ये है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहां पर आपके माइनस आता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके माइनस हो जाएगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखो, दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों ही माइनस के हैं तो आपके दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग नहीं है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपके माइनस का b और प्लस का a। मतलब ऐसा कर लो आप, माइनस का a और प्लस का b का होल स्क्वायर एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। एक प्लस का है और एक माइनस का है, चाहे वो आगे है चाहे पीछे है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है भाई। इस चीज का आपको ध्यान रखना भाई। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहां पर। 2x प्लस 3y इक्वल ए ब्रैकेट होल स्क्वायर है, तो ये आपका a है और ये आपका b है। आइडेंटिटी आपको हर बार लगानी है, यहां पर प्लस है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो a के सामने लिखा हुआ है 2x और b की जगह आपको लिखना है 2y लिखना है, और ये इसका आंसर है ये वाला। तो ये आएगा आपके 2x का आ जाएगा होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपके 2 × 4x स्क्वायर प्लस 2 × 4, 4 × 3 = 12xy प्लस 3 × 3 हो गया आपके 9y स्क्वायर। ऐसे आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं हम। 103 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है आपके 100 प्लस 3। ये भी 103 है और ये भी 103 है, अलग अलग नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई। अब यहां लगाएंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मतलब आपके 100 है और b का मतलब आपके 3 है, तो जहां जहां a है ना वहां आपको लिखना है 100, 2 का 2 a की जगह लिखना है आपको 100 और b की जगह लिखना है भाई आपको 3 लिखना है। 3 इधर भी लिखेंगे और 3 हम यहां पर भी लिखेंगे। सॉल्व करो, ये होता है 100 × 100 10,000 प्लस 2 × 3 जा होता है 600 और 3 × 3 जा होता है आपके 9। इसको रफली मल्टीप्लाई करो, 10,000 ऐड करना है 60 और 9, सबको ऐड कर लेना 90601, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है आपके, यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड। सेकंड आइडेंटिटी आपको यूज करनी है जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर
कह दो या फिर माइनस का ए कह दो और प्लस का बी कह दो। इसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी प्लस वाली थी, सेकंड आइडेंटिटी आपके माइनस वाली है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहां लिखते हैं 4p माइनस 3q का आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, मतलब ये नंबर आपका ए है और ये नंबर आपका बी है। इसका आंसर आपके ये होता है, तो यहां पर भी लिख लो आप, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। 4 4 जा होता है आपके 16p² और ये होता है 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, पी भी आएगा एंड क्यू भी आएगा। प्लस यहां होता है 3 3 जा 9q² होता है। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल आ जाएगा आपके। तो ये हो गया इसका आंसर। एक और देर का ये वाला 4.9 का स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं 49 भी कह सकते हो, एक ही बात है। मतलब ये हो जाएगा आपके 50 माइनस 1। अब यहां पर एक छोड़कर पॉइंट, यहां पर भी एक छोड़कर और यहां पर भी एक छोड़कर पॉइंट। अभी देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे ना, तो आप बिना पॉइंट के सॉल्व करो। पहले आप क्या करो, बिना पॉइंट के सॉल्व कर दो, उसके बाद पॉइंट लगाना आप। तो इसके क्या लगेगा आपके, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। ये हो गया अभी आपके 2500, ये हो गया है आपके 100 और ये हो गया आपके प्लस का 1। 25 माइनस 10 करेंगे क्या आएगा, 24, पीछे 1 भी है, 2401। मतलब इनको करना है माइनस और बाद में ये ऐड कर लेना। अब पॉइंट लगाओ वापस से, तो पॉइंट आपके यहां पर आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर आएगा, फिर आपके यहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर ऐसा आएगा 0.1 और यहां पर पॉइंट आएगा। स्क्वायर लगाने के कारण पॉइंट बढ़ जाएगा आपके, तो यहां पर पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल 13, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। थर्ड आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। अब थर्ड आइडेंटिटी क्या है बता देते हैं अभी आपको, वो है आपके एक नंबर अगर कोई प्लस में है और एक नंबर अगर आपके माइनस में है, तो उसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे हम लेते हैं यहां पर क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं, यहां पर 3/2m प्लस 2/3n, ये दोनों एक बार प्लस में है और यही दोनों एक बार आपके माइनस में है। ए प्लस बी, ए माइनस बी जब भी हो उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर ये हो जाएगा आपके बी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, एम का एम स्क्वायर इधर करेंगे तो 2 का 4, 3 का 9 एंड एन का एन स्क्वायर। ऐसे इसको क्या करना है अभी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके देर का है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो क्या होगा अभी इसका उल्टा लगाना है आपको। उल्टा मतलब हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है आपके ए स्क्वायर माइन ए प्लस बी। उल्टा लगाना है आइडेंटिटी आपको, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, उल्टा फॉर्मूला लगाना है आपको। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये आ जाएगा 983 प्लस 17 एंड 983 माइनस 17। सॉल्व करो, दोनों को ऐड करें तो होता है भाई आपके 1000 और दोनों को लेस करें तो ये होता है भाई आपके 6,
फिर ये आएगा आपके 7-1=6, 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 9660. इस तरीके से आपको करना है. एंड फाइनल आपके दे रखा है 194 × 206 दे रखा है. तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये नंबर तो 200 से 6 माइनस में है और ये नंबर आपके 200 से 6 प्लस में है. मतलब एक नंबर 200 से 3 कम है और एक ज्यादा है आपके. तो यहां पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी a - b a + b. जब भी ऐसा लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है आपके a² - b² होता है. तो a आपके दे रखा है 200 और b दे रखा है आपके 6² 200 का स्क्वायर होता है आपके 40,000 और 6 का स्क्वायर होता है आपके 36. कर दो माइनस तो ये आएगा 39964. ये आ जाएगा इसका आंसर. एग्जांपल नंबर 12 दे रखा है यूज द आइडेंटिटी. हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है. ये पूरी आइडेंटिटी लिखी हुई है आपके और इनको सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 501 × 502. तो यहां पर आइडेंटिटी है आपके, देखो ये नंबर जो है ना आपके 500 से 1 एक्स्ट्रा है और ये नंबर जो है आपके 500 से 2 एक्स्ट्रा है. अब लगाओ आइडेंटिटी आप. तो ये आएगा आपके a + b a - b = होगा a² - 2ab + b² ऐसे. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखना है अभी आपको. a का मतलब हो गया आपके 500, b का मतलब हो गया है भाई आपके, देखो यहां पर b का मतलब 1 है. एक मिनट भाई, आइडेंटिटी गलत लगा दी भाई. हमें लगानी है, देखो हमें ये आइडेंटिटी लगानी है x + a x + b = होता है आपके x² + a + bx + ab. हमें इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है. अब बताइए x की जगह क्या लिखा हुआ है. x की जगह लिखा हुआ है आपके 500. तो जहां जहां x है वहां हमें लिखना है 500. इधर x है, इधर x है, x की जगह आपको क्या लिखना है, 500 लिखना है. a की जगह आपको लिखना है 1, तो a की जगह लिखना है अभी आपको 1 लिखना है और b की जगह आपको लिखना है 2 + 2 × 2 ऐसे. जहां जहां x है वहां 500, जहां जहां a है वहां पर 1, जहां जहां b है वहां पर 2, ऐसे आपको लिखना है. ये होता है आपके 25. 20 का हो जाएगा आपके 40, ऐसे हो जाएगा. प्लस 2 + 1 होता है 3 × 500 करना है और लास्ट में दे रखा आपके 2 दे रखा है. कर दो सबको ऐड कर लो. ये आएगा 25 15002. सबको ऐड कर लेना, रफली ऐड कर लेना, यहाँ पर अलग से रफ में ऐड कर लेना. ये आ जाएगा इसका आंसर. सेकंड आपके देर का है 95 × 103. ये नंबर आपके, ये दोनों ही नंबर 100 के क्लोज है तो ये नंबर आपका 100 - 5 है और ये नंबर आपका 100 + 3 है. तो यहां पर लगाएंगे हम आइडेंटिटी x + a x + b = होगा x² + a + bx + ab. तो जब भी ऐसा लिखा हुआ हो उसका आंसर ये होता है. फर्स्ट लिखेंगे x. देखो यहां पर भी x का वैल्यू 100 है और यहां पर भी 100 है, तो यहां पर भी आएगा आपके 100 और यहां पर भी आएगा भी आपके 100.
अब है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू दे रखा है माइनस का फाइव, तो यहां पर भी आएगा माइनस का फाइव और यहां पर भी आएगा माइनस का फाइव। अब लेते हैं बी का वैल्यू, बी का वैल्यू दे रखा है आपके थ्री, तो इधर आपके प्लस का थ्री है, इधर भी आपके प्लस का थ्री है, ऐसे 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है आपके 10,000 एंड 5 माइनस 3 होता है आपके माइनस का 2 होता है, 5 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 2। अब माइनस 2 × 100 तो ये आ जाएगा आपके 200, फिर यह 5 × 3 = 15 सॉल्व करो। तो पहले क्या करेंगे हम 10,000 में से माइनस करेंगे 200, तो ये आएगा आपके 9800, माइनस करेंगे 15 तो ये आएगा 9785, तो हमारा आंसर आएगा 9785, ये होगा हमारा आंसर। फर्स्ट दे रखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और दोनों को प्रोडक्ट करना है आपको, तो फर्स्ट आपके दे रखा है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट लेते हैं यहां पर हम x + 3 x + 3, देखो बिल्कुल सेम नंबर है, तो इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हैं x + 3 का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें लगानी है आइडेंटिटी, a + b का आ जाएगा होल स्क्वायर, जब भी ऐसा हो उसका मतलब होता है आपके a² + 2ab + b² होता है, तो हमने ऐसे आपके आइडेंटिटी लगा दी है, मतलब ऐसा लिखा हुआ हो उसका मतलब ये होता है। मतलब क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है अभी आपको, तो जहां जहां a है ना वहां पर आपको लिखना है x, तो यहां पर a है तो यहां पर x लिखेंगे, यहां पर भी x लिखेंगे, एंड अब जहां जहां b लिखा हुआ है वहां लिखना है 3, तो 3 यहां पर भी आएगा एंड 3 आपके यहां पर भी आएगा। अब ब्रैकेट हटाओ, ये हो गया अभी आपके एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके 2 × 3 = 6x और ये आएगा 3 × 3 = 9, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा है भाई, ध्यान लगाओ समझ में आ जाएगा भाई। अब लेते हैं सेकंड वाला लेते हैं हम, तो सेकंड आपके दे रखा है 2y + 5 and 2y + 5, ये बिल्कुल सेम हो गया दोनों ही, तो यहां आएगा आपके 2y + 5 का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां हम लगाएंगे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई आपके a + b का आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके a² + 2ab + b², हमें इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, ऐसा लिखा हुआ हो तो ये वाला इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर ये है। तो a² मतलब a का मतलब क्या हो गया भाई आपके 2y का होल स्क्वायर, a का मतलब क्या हो गया 2y। अब लेते हैं b का मतलब क्या हो गया भाई आपके 5, तो b आपके यहां पर भी है और b आपके यहां पर भी है। अब ब्रैकेट हटाओ सॉल्व करो, 2 × 2 = 4y² और ये होता है 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 और लास्ट में दे रखा है आपके 5 × 5 = 25, ऐसे आपको लिख। थर्ड आपके दे रखा है 2a - 7, ये नंबर बिल्कुल सेम 2 कॉपी है, तो ये आएगा आपके 2a - 7 का आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, लगाओ आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपके a² - 2ab + b² हो गए। सॉल्व करेंगे यहां पर हमें, तो a की जगह आपको लिखना है 2a, तो जहां जहां a है वहां पर हमें लिखना है 2a का होल स्क्वायर और यहां पर भी a है तो यहां पर लिखेंगे 2a। अब b की जगह लिखना है आपको 7, तो यहां पर भी 7 एंड यहां पर भी 7, सॉल्व करो, 2 × 2 = 4a² 2 × 2 = 4,
फोर सेवन जा होता है आपके 28A और ये होता है 7 का स्क्वायर 49। ऐसे आपको करना है, सिंपल तरीका है, ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। अब ये वाला लेते हैं फोर्थ वाला, ये दे रखा है आपके 3A माइनस का 1/2 और यहां पर भी आएगा 3A माइनस 1/2। अब दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें यहां लिखना है 3A माइनस 1/2 का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा आपके ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब a का मतलब यहां पर लिखा हुआ है, तो a का मतलब हम लिखेंगे, देखो ये तो हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर है, तो a का मतलब होता है आपके 3A, इधर भी आपके a का मतलब होता है 3A, अब b का मतलब होता है 1/2, तो यहां पर भी 1/2 एंड यहां पर भी 1/2। अब यहां पर भी ब्रैकेट लगा सकते हो, कटे जो काट दो, 2 से 2 कट गया भाई आपके, तो क्या है आपके 3 जा 9A स्क्वायर माइनस 3A इंटू 1 3A, 1 का 1 और 2 जा होता है आपके 4 होता है। फिफ्थ आपके दे रखा है 1.1m माइनस 0.4 1.1m प्लस 0.4 ऐसा दे रखा है, नंबर बिल्कुल सेम है लेकिन साइन आपके अलग अलग है, तो अलग अलग साइन वाले में अलग अलग आइडेंटिटी लगेगी आपकी, तो यहां आएगा आपके a माइनस बी और यहां पर आएगा आपके a प्लस बी। जब भी ऐसा दे रखा हो तो उसका जो आंसर होता है वो ये होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ऐसा दिया हुआ है इसका आंसर ये होता है। तो लिखो, देखो a की जगह आपको लिखना है 1.1m 1.1m, b की जगह यहां पर भी 0.4 है, यहां पर भी 0.4 है, 0.4 का होल स्क्वायर, हटाओ ब्रैकेट आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये पॉइंट भूल जाओ, एक बार 11 का स्क्वायर होता है 121, स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉइंट आपके लगेगा, दो संख्या छोड़कर लगेगा पॉइंट, इधर आपके m स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहां लगेगा पॉइंट, ये भी आपका राइट है, और आप चाहो तो यहां पर जीरो लगा सकते हो, जरूरी नहीं है जीरो लगाना लेकिन चाहो तो यहां पर ऐसे लगा सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई आपके सिक्स्थ वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करना है ना तो पहले आपको दोनों को सही करना होगा भाई, माइनस बीच में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको सही करेंगे हम, तो इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, तो इसको भी ऐसे ही करो आप, बी स्क्वायर को आगे ले लो और ए स्क्वायर को पीछे कर लो, तो यहां पर क्या होगा भाई आपके आइडेंटिटी लगी कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मतलब यहां पर भी बी स्क्वायर है और यहां पर भी बी स्क्वायर है, तो ये आएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी का मतलब यहां पर भी ए स्क्वायर है और बी का मतलब यहां पर भी ए स्क्वायर है, तो ये आएगा ए स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करो, बी के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, पावर के पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो ये आएगा बी की पावर 4 और यहां पर आएगा a की पावर 4, ये हो जाएगा भाई आपके आंसर हो जाएगा, इस टाइप से करना है आपको। अगला दे रखा आपके 6x माइनस 7 एंड 6x माइनस 7, इसमें क्या करना है अभी आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, एक बार कोई नंबर माइनस में है और एक बार कोई नंबर आपके प्लस में है, उसका आंसर होता है
ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए का मतलब होता है भाई आपके 6x का होल स्क्वायर एंड बी का मतलब होता है भाई आपके 7 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, x का x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है आपके 49। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हम लेते हैं यहां पर माइनस का a प्लस का c एंड माइनस का a प्लस का c, इसको आगे पीछे कर दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपके c प्लस का है, a माइनस का है, और c माइनस का है, c है प्लस का और a है आपके माइनस का। ये बिल्कुल सेम हो गए भाई, बिल्कुल सेम। इसका मतलब हो गया c माइनस a का हो जाएगा होल स्क्वायर। आप चाहो इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा भाई आपके, आपकी इच्छा जैसे करो। एक ही मतलब होता है दोनों का ही। तो आंसर क्या होगा आपके, इसके लिए लगाएंगे आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो उसका आंसर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आएगा आपके ए स्क्वायर, ए नहीं है क्या देर का भी, a की जगह आपके लिखा हुआ है c। तो ये आएगा c का स्क्वायर, 2 दोनों आएंगे, c भी आएगा और a भी आएगा, प्लस a का स्क्वायर। अगर आप ये वाला करते हैं तो ऐसा आता है आंसर, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। तो भी आपके आंसर यही आता, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होता। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला लेते हैं भाई हम यहां पर x प्लस 2 प्लस 3y प्लस 4, x बाई 2 प्लस 3y अपॉन 4, ऐसा आपके लिखा हुआ है। तो उसका मतलब होता है आपके x प्लस 2 एंड 3y अपॉन 4 का हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। हम इसके लिए लगाएंगे आइडेंटिटी, लगाएंगे भी आइडेंटिटी क्या होगी भी आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होता है होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये आपका क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके ये वाला है। तो a का मतलब हो गया है x बाई 2 का होल स्क्वायर, और x का मतलब यहां लिखा हुआ, a का मतलब लिखा हुआ है, a का मतलब होता है x बाई 2 एंड b का मतलब यहां लिखा हुआ है 3y अपॉन 4 प्लस 3y अपॉन 4 का हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। लगाओ सॉल्व करो, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4। ये 2 से ये 2 कट गया भाई आपका, तो ये आया है 3/4, x भी आएगा एंड y भी आएगा। और इधर हो जाएगा आपके 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, y का हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सिंपल है भी, जो हमने पहले किया था उस तरीके का ही है आपके। टेंथ दे रखा है आपके 7a-9b, और यहां पर भी लिखो आप 7a-9b। तो इसका मतलब होता है आपके 7a-9b का हो जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर। अब यहां लगाते हैं हम आइडेंटिटी, लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा आपका क्वेश्चन हो, तो उसका जो आंसर होता है वो ये होता है आपके a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, a का स्क्वायर मतलब a की जगह क्या लिखना है भाई आपको, 7a का हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह आपको लिखना है 7a। अब आता है बी, बी की जगह लिखना है भाई आपको 9b प्लस
नाइन बी का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपके सेवन सेवन जा 49 ए स्क्वायर, ये होगा 27 जा 14, 49 जा होता है 126 ए बी, और पीछे दे रखा आपके 99 जा 81 बी स्क्वायर। जैसा दे रखा है आइडेंटिटी उस हिसाब से लगानी है, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करना है, और जैसे ही आइडेंटिटी पुट करते हैं बाद में उसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यूज आइडेंटिटी, आपको ये यूज करनी है, तो ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके ये दे रखा है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, और आइडेंटिटी क्या है आपकी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। अब सिंपल सा है, एक्स की जगह आपको एक्स ही लिखना है, कोई चेंज नहीं, ए की जगह आपको थ्री लिखना है और बी की जगह आपको सेवन लिखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू थ्री, बी का वैल्यू सेवन, एक्स का वैल्यू एक्स, ए का वैल्यू है आपके थ्री, बी का वैल्यू है आपके सेवन, तो ये तो हो गया आपके एक्स स्क्वायर, और ये आएगा सेवन प्लस थ्री होता है आपके टेन एक्स प्लस सेवन थ्री जा होता है आपके 21, ये होगा हमारा सेकंड। आपके दे रखा है फोर एक्स प्लस फाइव एंड फोर एक्स प्लस का वन, लगाओ आइडेंटिटी लगानी है, तो ये हो जाएगी आपके एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास हो तो उसका आंसर ये होता है, ऐसे आपको लिखना है। x का मतलब यहां पर दोनों जगह आपके 4x लिखा हुआ है, तो लिखूंगा 4x का होल स्क्वायर, a का वैल्यू है भाई आपके 5, b का वैल्यू है आपके 1, x की जगह लिखना है 4x और a की जगह लिखना है आपको 5 एंड b की जगह लिखना है आपको 1, तो ये आएगा आपके 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 4x इजिकल टू होगा 24x एंड 5 बन जा हो जाएगा आपके 5, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। आपके देर का है थर्ड, क्या लिखा हुआ है अभी आपके 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, 4x माइनस 1, हमें यूज करनी है आइडेंटिटी, हर बार यूज करो आइडेंटिटी ताकि आपको आइडेंटिटी पूरी याद हो जाए, x प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आगे वाला क्वेश्चन तो पीछे वाला इसका आंसर, तो लिखो और सॉल्व करो, x की जगह 4x लिखना है, a की जगह लिखना है माइनस का 5, क्योंकि यहाँ प्लस है ऊपर माइनस है, इसलिए x की जगह वही 4x है और b की जगह आपको लिखना है माइनस का 1 लिखना है, तो 4x का होल स्क्वायर, a का वैल्यू माइनस का 5, b का वैल्यू माइनस का 1 और x का वैल्यू आपके 4x, ab, a का वैल्यू है माइनस का 5 एंड b का वैल्यू है माइनस का 1, सॉल्व करो 4 4 जा 16x स्क्वायर। अब यहां पर दोनों को माइनस करते हैं तो ये होता है आपके, देखो ध्यान देना भाई, माइनस फाइव माइनस वन इजिकल टू होता है माइनस का 6 होता है, दोनों को ऐड करने पर फिर देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा माइनस का 24x। अब यहां पर होगा माइनस माइनस प्लस, 5 वन जा 5, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। आपके दे रखा है 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1, आइडेंटिटी लगाओ यहां पर, ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लगानी है हमें, आइडेंटिटी लगानी है भाई। अब x की जगह आपको लिखना है 4x लिखना है, यहां पर x है 4x लिख के होल स्क्वायर कर दो, यहां पर a आएगा b आएगा और x की जगह आपको लिखना है 4x, a की जगह लिखना है प्लस का 5, b की जगह लिखना है माइनस का 1, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 1 है, और ab, ab में आपके 5 प्लस का है और आपके b जो है वो माइनस का है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर। अब यहाँ 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4 प्लस का इंटू 4x कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 4 4 जा 16x, प्लस माइनस माइनस 5 बन जा होता है 5, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ आपके देर का है, तो फिफ्थ को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 2x प्लस 5y एंड 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर अगर आइडेंटिटी लगाएं x प्लस a x प्लस b इजिकल टू होता है x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा भी आपके a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, आइडेंटिटी यूज करना आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले x, x की जगह यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है तो ये हो गया आपके 2x का होल स्क्वायर, a का वैल्यू आपके देर का है 5y और b का वैल्यू आपके देर का है 3y और x की जगह आपके लिखा हुआ ये वाला, a की जगह है भाई आपके 5y और b की जगह है भाई आपके 3y। सॉल्व करो, 2 का हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5y एंड 3y इजिकल टू हो गया आपके 8, 5y प्लस 3y इजिकल टू होता है 8y। अब 8y को मल्टीप्लाई करना है आपको 2x से तो ये हो जाएगा आपके 8 2 जा कितना होता है भी आपके 16 हो जाएगा भाई, तो यहाँ लिख देते हैं 16 x भी आएगा और y भी आएगा, पीछे आएगा 5 3 जा 15 y स्क्वायर। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि 2 a स्क्वायर प्लस 9 2 a स्क्वायर प्लस का 5, यहां पर हमें लगानी है आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इजिकल टू होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो यहां पर आपके क्या करना है भाई, x का मतलब हो रहा है 2 a स्क्वायर यहां पर भी तो ये हो गया आपके 2 a स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी आपके x का होल स्क्वायर है, a a का मतलब हो गया 9, b का मतलब हो गया 5, ये रहा a का मतलब 9 b का मतलब 5 और x की जगह आपको लिखना है ये वाला 2 a स्क्वायर ए बी, ए आपका 9 है b आपका 5 है, 2 का होता है 4, a के ऊपर यहां पर अंदर 2 पावर है और बाहर भी 2 पावर है तो ये हो जाएगी आपके 4 पावर, 9 और 5 होता है आपके 14, 14 इंटू 2 ए स्क्वायर करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 28 ए स्क्वायर और ये आएगा 9 5 जा 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपके एक्स वाई जेड माइनस 4 एक्स वाई जेड माइनस 2, अब यहां पर लगाएंगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस a x प्लस b इजिकल टू होता है x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, आइडेंटिटी आप बार बार लगाओ ताकि आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद हो जाए। सॉल्व करते हैं यहां पर,
एक्स का मतलब होता है ये वाला एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का आ जाएगा होल स्क्वायर। ए का मतलब माइनस फोर, बी का मतलब माइनस टू, तो माइनस फोर माइनस टू, और एक्स का मतलब होता है आपके एक्स वाई जेड। ए बी, ए बी मतलब हो गया है माइनस के फोर इंटू माइनस का टू, ऐसे। अब हटाओ ब्रैकेट तो एक्स का भी स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर, जेड का भी स्क्वायर। और यहां पर देखो माइनस का चार और माइनस का दो, माइनस फोर माइनस टू कितना होता है, माइनस का सिक्स होता है। पीछे देर का आपके एक्स वाई जेड, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा हो जाएगा आपके एट, ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देर का है फाइंड द स्क्वायर यूजिंग बाय आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आपके देर का है बी माइनस सेवन का होल स्क्वायर। अब यहां लगाओ आप आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का आ जाएगा होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब ए का मतलब है बी और बी का मतलब है सेवन, तो ए का मतलब है आपके बी, ए का मतलब है वे आपके बी और बी का मतलब है आपके सेवन, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपके बी स्क्वायर माइनस सेवन टू जा फोर्टीन बी प्लस हो जाएगा आपके सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन। सेकंड आपके देर का है एक्स प्लस एक्स वाई, देर का आपके एक्स वाई प्लस थ्री जेड का आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। लगाओ आइडेंटिटी, ए प्लस बी का आ जाएगा होल स्क्वायर इजिकल टू होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगाओ आइडेंटिटी, एक्स का मतलब होता है एक्स वाई और बी का मतलब होता है थ्री जेड, तो एक्स ए का मतलब है आपके एक्स वाई, टू का टू ए का मतलब है आपके एक्स वाई, बी का मतलब है आपके थ्री जेड। तो यहां पर लिखेंगे थ्री जेड का आ जाएगा होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है ना, तो एक्स का भी स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर। इधर आपके होगा टू थ्री जा होता है भी आपके सिक्स होता है, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा जेड भी आएगा, और लास्ट में है थ्री थ्री जा नाइन जेड स्क्वायर, ऐसे। अगला आपके दे रखा है ये वाला थर्ड, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव वाई का आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ए का मतलब ये रहा और बी का मतलब ये रहा, ए का मतलब हो गया है सिक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का मतलब हो गया है सिक्स एक्स स्क्वायर, बी का मतलब हो गया है आपके फाइव वाई, और बी का मतलब हो गया है फाइव वाई का होल स्क्वायर। सिक्स का होता है थर्टी सिक्स, एक्स स्क्वायर तो है ही है, अब पावर की पावर है तो क्या आएगी फोर पावर, यहां पर टू सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा होता है सिक्सटी, एक्स स्क्वायर एंड वाई, और इधर होगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, इजी इजी है, ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ, टू बाई थ्री एम प्लस थ्री बाई टू एन का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर आ जाएगा। लगाओ यहां पर आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मतलब होता है ये वाला और बी का मतलब होता है ये वाला, ए का मतलब है टू बाई थ्री एन, ए का मतलब होता है भाई आपके टू बाई थ्री एम,
एम होता है, और बी का मतलब आपके दे रखा है 3/2n, एंड लास्ट में है बी का स्क्वायर 3/2n का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर। कटे जो काट दो, तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, बाकी पता लिख दो आप। 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, और m का होगा m स्क्वायर, यहां पर आएगा 2m एंड n आएगा। इधर 3 का होगा आपके 9, 2 का होगा आपके 4, n का हो जाएगा n स्क्वायर। ऐसे आपके दे रखा है 0.4p माइनस 0.5q का आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। लगाओ आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, a का मतलब होता है ये सामने लिखा हुआ है 0.4p का आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, a का मतलब होता है 0.4p और b का मतलब होता है 0.5q। तो यहां पर आएगा 0.5q का हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा भी आपके 0.4 का होगा 0.16 p स्क्वायर। 2 4 जा 8 8 5 जा 40, एक यहां पर दो छोड़कर लगेगा पॉइंट, पी भी आएगा एंड क्यू भी आएगा। 5 का होता है 25, स्क्वायर लगा हुआ है तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट आएगा, और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ऐसे सिंपल सा है, ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं ये वाला 2xy + 5y² का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब ये रहा और बी का मतलब ये रहा, ए का मतलब हो गया है 2xy का होल स्क्वायर, ए का मतलब है आपके 2xy, बी का मतलब है भी आपके 5y, बी का मतलब हो गया है 5y का आ जाएगा होल स्क्वायर। लगाओ सॉल्व करो, 2 का होता है 4, x का होता है x स्क्वायर, y का होता है y स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा होता है भी आपके 20, x आपके एक बार है और y आपके दो दो बार है, तो y स्क्वायर आएगा। 5 का होता है 25 और y का होता है y स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपके दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर, तो यहां पर लगानी है हमें आइडेंटिटी, तो क्या लगेगी भाई आपके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए का होल स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस बी का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर, ये होता है। सॉल्व करो, तो a की जगह आपको लिखना है a का स्क्वायर और b की जगह लिखना है b का स्क्वायर। देखो यहां पर a आएगा और यहां पर भी a आएगा, तो a की जगह आपको लिखना है a स्क्वायर, a की जगह लिखना है आपको a स्क्वायर, b की जगह लिखना है आपको b स्क्वायर, और यहां पर भी b की जगह लिखना है आपको b स्क्वायर, ऊपर दे रखा है होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a की पावर 4, ये आ जाएगा 2a² b² प्लस b की पावर हो जाएगी आपके 4। सेकंड आपके दे रखा है 2x + 5 का आ जाएगा होल स्क्वायर एंड 2x - 5 का आ जाएगा होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं भाई, इसको अलग सॉल्व करेंगे, प्लस वाली आइडेंटिटी भी लगानी है और माइनस वाली भी लगानी है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, दोनों आइडेंटिटी लगानी है, प्लस वाली भी लगानी है और माइनस वाली भी। तो प्लस वाले लगाएंगे आगे, माइनस वाले लगाएंगे पीछे, तो लगाओ आइडेंटिटी, सॉल्व करो। ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये आएगा ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। यहां पर आएगा टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। हटाओ ब्रैकेट, सॉल्व करो। टू का होता है फोर एक्स स्क्वायर, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स, फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, प्लस माइनस माइनस, टू का स्क्वायर होता है फोर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, और माइनस प्लस माइनस, और फाइव का स्क्वायर होता है भाई आपके ट्वेंटी फाइव, कटे जो काट दो। तो ये वाला इससे कट गया भाई आप, और दूसरा है भाई आपके ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव से कैंसिल हो गया, एक बचा हुआ ये वाला, एक बचा हुआ ये वाला, ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स इजिकल टू हो जाएगा फोर्टी एक्स, ये होगा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके देर का है, सेवन एम माइनस एट एन का होल स्क्वायर प्लस सेवन एम प्लस एट एन का आ जाएगा होल स्क्वायर, लगाओ यहाँ पर आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई आपके, माइनस आएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आगे वाले में प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी और पीछे वाले में आपके प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, लगाओ और सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, इधर आएगा भाई आपके फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड संख्या का होल स्क्वायर। सेवन का होगा फोर्टी नाइन एम स्क्वायर, यहाँ होगा टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन इंटू एट वन ट्वेल्व एम एन, और ये आएगा एट एट जा सिक्सटी फोर एन स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो सेवन का हो जाएगा फोर्टी नाइन एम स्क्वायर, ये होगा एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स का डबल वन ट्वेल्व एम एन, प्लस एट का होता है सिक्सटी फोर एन स्क्वायर, कटे जो काट दो। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया भाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये भी एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है, 49 और 49 हो गया आपके 98 एम स्क्वायर हो गया, ये भी आपके एन स्क्वायर है और ये भी आपके एन स्क्वायर है, 64 64 होता है 128 एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ देखो क्या लिखा हुआ है आपके, 4m प्लस 5n का आ जाएगा होल स्क्वायर एंड 5m प्लस 4n का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों ही प्लस वाले ही हैं आपके, तो ये आएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। केवल प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है दोनों में, एक तो आपके यहाँ पर है नंबर बीच में है प्लस, और एक आपके यहाँ पर है, सॉल्व करो इनको। ये आएगा फोर एम का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर एम इंटू फाइव एन प्लस फाइव एन का आ जाएगा होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर लिखना है, फाइव एम का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू
5m इंटू 4n प्लस 4n का होल स्क्वायर, सॉल्व करो, 4 जा 16m स्क्वायर, 2 जा 8, 5 जा 40mn, और ये होता है आपके 25n स्क्वायर, ये होता है 5 जा 25m स्क्वायर, 5 टू जा 10, 10 4 जा होता है आपके 40mn, प्लस ये होता है आपके 4n का होता है 16n स्क्वायर, सॉल्व करो भी इनको, यहां पर भी m स्क्वायर है और यहां पर भी m स्क्वायर है, 16 प्लस 25 इजिकल टू होता है 41m स्क्वायर, 40 एंड 40 इजिकल टू होता है आपके 80mn, और 25 एंड 16 होता है आपके 41n स्क्वायर, सिंपल है, ध्यान लगाओ समझ में आ जाएगा। अब ये वाला 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर, 1.5p माइनस 2.5q का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके माइनस वाली आइडेंटिटी आपके लगेगी, मतलब ये लग जाएगी आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लेंगे एक नंबर यहाँ पर और सेकंड नंबर हम यहाँ पर, पहले ये लेते हैं 2.5p का आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ आएगा 1.5q का हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में आएगा भी आपके माइनस प्लस 2 × 2.5p एंड 1.5q ऐसे। अब यहाँ पर होता है 1.5q, इधर आता है आपके 2.5q माइनस 2 × 1.5p 2.5q प्लस, सॉल्व करो, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 पी स्क्वायर, और यहां पर होगा देखो 2.5 का डबल 5 × 1.5 मल्टीप्लाई करना आना चाहिए भी आपको, 25 का डबल 50 × 15 ये होता है आपके 750, और यहां लग जाएगा आपके पॉइंट प्लस 15 का स्क्वायर होता है 2.25q स्क्वायर, इधर p भी आएगा और q भी आएगा। अब यहाँ साइन का ध्यान देना है भाई, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 1.5 का हो जाएगा 2.25p स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके 7.50pq, सेम आएगा भाई, जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर आएगा, प्लस 2.5 का होता है 6.25q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा भी आपके माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपके माइनस है ना, इसलिए अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे, कटता है वो कार्ड ये और ये कट गया भी आपके, बाकी वाले नहीं कट रहे हैं ध्यान रखना भाई। 6.25 यहाँ पर भी है, ये पी स्क्वायर है और ये भी आपका पी स्क्वायर, इसका ध्यान रखना भाई, पी स्क्वायर में से ही पी स्क्वायर माइनस करना है, तो 6.25 माइनस 2.25 तो ओनली 4 बचेगा आपके। अब ये भी आपके सिंपल सा ध्यान रखना है भाई आपके, ये है आपके प्लस का और ये है आपके माइनस का है, तो 6.25 में से माइनस कर दो तो ये आएगा आपके 4q स्क्वायर आएगा, इस बार ज्यादा कौन सा है आपके माइनस का ज्यादा, चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो और ऐसा लिख दो आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 4 का 4 दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को हम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे हम माइनस में,
ये आंसर भी आपका राइट है, ये आंसर भी राइट है, और ये आंसर भी राइट है। जहां तक आपकी इच्छा हो वहां पर आप कर देना। सिक्स आपके दे रखा है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। सॉल्व करते हैं भाई यहां पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगाओ आइडेंटिटी। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम यहां पर, पीछे दे रखा है आपके ये वाला टू ए बी स्क्वायर सी। सॉल्व करो इसको, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये आएगा आपके ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ए बी पर स्क्वायर है इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर हो गया है टू ए आपके एक बार, बी आपके दो बार, और सी है ही प्लस यहां पर होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। लास्ट में दे रखा है माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, तो यहां क्या करेंगे भाई, कैंसिल कर दें यहां पर, ये वाला इससे कट गया अभी, आप पीछे बच गया, वो हो गया हमारा आंसर। ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल सा है। अगला हम लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का आ जाएगा होल स्क्वायर टू एम की पावर क्यूब एन स्क्वायर। अब यहां क्या होगा भाई, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हमें इस पर लगाना है। अभी इसको लिखेंगे हम यहां पर, और पीछे दे रखा है प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। सॉल्व करो, ए का मतलब ये है और बी का मतलब ये है, तो ए का होल स्क्वायर बी का भी होल स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस टू इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करो, यहां पर आएगा एम की पावर फोर, यहां पर देखो टू का टू, एम टू टाइम यहां पर है और वन टाइम यहां पर है, तो ये हो गया आपके थ्री टाइम, और एन हो गया आपके स्क्वायर में, इधर एन हो गया आपके स्क्वायर इंटू टू करेंगे तो फोर पावर हो जाएगी, और एम हो जाएगा आपके स्क्वायर में। पीछे देर का है आपके टू एम की पावर क्यूब एन स्क्वायर, कटे जो काट दो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया, पीछे जो बच गया है वो लिख लो, पीछे बच गया मैं यहां लिख रहा हूं भाई, एम की पावर फोर प्लस एन की पावर फोर एंड एम स्क्वायर, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। हमें शो करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 3x+7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इजिकल टू हो जाएगा 3x-7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये साइड है भाई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड है भाई आपकी राइट हैंड साइड। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं भाई 3x+7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। अब हम इसके लिए लगाएंगे आइडेंटिटी, लगाएंगे इसके लिए क्या होगी आइडेंटिटी आपकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है इसकी जगह। ए का मतलब 3x है, बी का मतलब आपके 7 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस
प्लस बी का आ जाएगा होल स्क्वायर और ये आएगा माइनस का 84x। सॉल्व करो, 3 का होता है 9x स्क्वायर और ये होता है आपके 2 3 जा 7, 7 2 जा होता है आपके 14, 3 जा 42 होता है अभी, प्लस 7 7 जा 49 माइनस 84x। देखो ध्यान लगाना भाई, इस वाले से ये वाला मिला है आपको। अब यहां पर 84 है, यहां पर भी आपके 42, देखो ये दोनों x वाले हैं, प्लस माइनस कर दो तो क्या आएगा भाई आपके 9x स्क्वायर। अब यहां पर आएगा आपके, देखो 84 में से 42 गए तो क्या आएगा माइनस का 42x आएगा और प्लस का आ गया आपके 49। अब देखो जैसे हमने यहां से यहां लेके आए थे ना, वापस हमें उल्टा चलना है, उल्टा चलना है वापस से, तो क्या हो जाएगा भाई 9 का हो जाएगा 3x, 49 का हो जाएगा 7, मतलब उल्टा चलना है, 49 का 7, 9 का 3 करना है और इस 3 को और 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम यहाँ लेते हैं 2 इंटू क्या आएगा भाई आपके 3x एंड 7। अब देखो यहाँ से यहाँ आ गए, अब हमें लगानी है आइडेंटिटी, उल्टा चल रहा है तो आइडेंटिटी भी आपको उल्टी लगानी है, मतलब ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये है आपका a, ये है आपका b और बीच में मिल रहा है 2ab, इससे मैच भी कर रहा है, इसका मतलब होगा a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर ऐसे। सेकंड आपके लिखा हुआ है 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq इजिकल टू दे रखा है आपके 9p प्लस 5q का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। तो हम इधर से लेते हैं, ये वाला जो है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला है आपका राइट हैंड साइड है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। अब यहाँ लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, पहले नंबर का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यहाँ पर सेकंड नंबर में q है तो q लगाना है, प्लस सेकंड नंबर का आ जाएगा आपके होल स्क्वायर प्लस 180pq। अब क्या करना है, सॉल्व करो इसको, तो सिंपल सा है भाई आपके 9 का स्क्वायर होता है 81p स्क्वायर और ये आएगा आपके 9 2 जा 18, 18 5 जा होता है 19 और ये होता है 5 5 जा 25q स्क्वायर और ये दे रखा आपके 180pq। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये है और ये तो आपके है ही है 81p स्क्वायर 25q स्क्वायर यहाँ पर प्लस, अब देखो 180 आपके प्लस का है और 90 आपके माइनस का है, तो 180 माइनस 90 इजिकल टू आएगा प्लस का 90pq आ जाएगा। अब देखो ये लिखा हुआ था तो हम ये लेके आए माइनस वाला, देखो यहाँ पर माइनस था तो माइनस वाला आंसर आया, अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, प्लस का आंसर आएगा, उल्टा चलना है, पहले हमें इस लाइन को इस लाइन की तरह लिखना है, बस यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पर आपके प्लस है, 81 का हो जाएगा आपके 9p का होल स्क्वायर, 25 का हो जाएगा 5q का होल स्क्वायर,
बीच में आएगा टू इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा भाई आपके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा भाई आपके ए ये रहा और बी ये रहा, ए प्लस बी का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। थर्ड वाला आपके दे रखा है फोर बाई थ्री एम माइनस थ्री बाई फोर एन का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर प्लस टू एम एन इजिकल टू दे रखा है सिक्सटीन बाई नाइन एम स्क्वायर प्लस नाइन बाई सिक्सटीन एन स्क्वायर। तो ये वाला यहाँ तक आपके है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला है भाई आपके राइट हैंड साइड है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल इजी है। तो इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिटी लगानी है। पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं भाई हम, वो दे रखा है फोर बाई थ्री एम माइनस थ्री बाई फोर एन का आ जाएगा होल स्क्वायर एंड प्लस टू एम एन। इसकी जगह लगाएंगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है, तो ले लो यूज में। तो ये आएगा आपके फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर यहाँ बीच में अगर आपके माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, और प्लस सेकंड नंबर का हो जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, और बीच में दे रखा है प्लस का टू एम एन। अब देखो सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाना भाई, इजीली कट जाएगा आपके। फोर से फोर गया, थ्री से थ्री गया, तो भाई क्या आया भाई आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फोर का क्या होता है भाई आपके सिक्सटीन बाई नाइन एम स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का टू एम एन, और इसका हो जाएगा थ्री का नाइन फोर का सिक्सटीन एन स्क्वायर, और लास्ट में दे रखा है प्लस का टू एम एन। कटे जो काट दो ये, और ये कट गया अभी आपके, और पीछे क्या बच गया अभी आपके, पीछे बच गया सिक्सटीन बाई नाइन एम स्क्वायर, एंड इधर बच गया अभी आपके ये वाला नाइन बाई सिक्सटीन एन स्क्वायर। फोर्थ वाला आपके देर का है फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू माइनस थ्री क्यू स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 48 पी क्यू स्क्वायर। सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाओ, समझ में आ जाएगा आपके। तो पहले हम लेते हैं ये वाली साइड लेते हैं, इसमें क्या करना है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भाई आपके, माइनस आ जाएगा। ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए। एक आपके ये वाला ब्रैकेट है और एक आपके दूसरा वाला ब्रैकेट है, तो पहली संख्या का आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसके लिए करते हैं हम पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस, माइनस लगाना है, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। सॉल्व करो, फोर का हो जाएगा आपके सिक्सटीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये आएगा फोर टू जा एट, एट थ्री जा होता है आपके ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर क्यू, और ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन क्यू स्क्वायर,
अब यहां पर माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सेम ही आएगा यहां लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, फोर का होगा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इधर है माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यही आएगा सेम लिखा हुआ है 24 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, पी एक बार है और क्यू आपके दो बार है भाई, ये देखो क्यू दो बार है, यहां पर भी क्यू आपके टू टाइम है, प्लस थ्री थ्री जा हो गया 9q की पावर 4, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, सिंपल सिंपल चीजें हैं, इजीली आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर जो कटे जो काट दो, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, साइन देखना भाई, साइन साइन सही कर देना, क्योंकि यहां पर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, पीछे बच गया ये वाला 24 and 24 = 48, 48 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिफ्थ आपके देर का है a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए इजिकल टू क्या हो गया भाई आपके जीरो हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, मतलब ये राइट हैंड साइड है, तो अब इसमें क्या होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब होगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहां पर करेंगे तो क्या आएगा भाई आपके एक प्लस में एक माइनस में, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हटा दो ब्रैकेट, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कटे जो काट दो, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया भाई आपके, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया भाई आपका, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या आंसर है आपके जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रखा है आपके, यूजिंग आइडेंटिटी एंड इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना है आपको, सबसे पहले आपके दे रखा है 71 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब होता है भाई आपके 70+1 का होल स्क्वायर, ये भी 71 है और ये भी आपका 71 है, दोनों एक ही है। अब यहां लगाएंगे हम आइडेंटिटी, लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लगाओ और सॉल्व करो, तो a का मतलब हो गया अभी आपके 70 और b का मतलब हो गया 1, तो 70 का स्क्वायर 2 इंटू ए का मतलब हो गया आपके 70 और b का मतलब हो गया आपके 1 प्लस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, 7 7 7 = 49 और एक जीरो का हो जाएगा 20, ये पूरा एक है ध्यान रखना भाई, अब ये पूरा एक है तो ये आएगा 17 4 = 70 4 = 140 और ये पूरा एक है 1 का स्क्वायर 1, सबको ऐड कर लो तो ये आएगा भाई आपके 49 50, तो 54 1, सबको रफली ऐड कर लेना, ऐसे ऐसे लिखकर आप ऐड कर लेना भाई 1405, ऐसे हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देर का आपके 99 का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब होता है आपके 100 - 1 का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 99 है और 100 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो भी वो 99 ही रहता है, तो यहाँ लगाते हैं आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसे सॉल्व करो, तो a का मतलब है भाई आपके 100 और b का मतलब है आपके 1, तो यह आएगा आपके 100 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 × 100 × 1 + 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर,
हंड्रेड का स्क्वायर होता है आपके 10,000 और ये होता है पूरा का पूरा 200 और ये होता है आपके 1। तो पहले क्या करना है आपको, 10,000 में 1 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 10,001, फिर माइनस करना है आपको 200, तो 0100 - 2 = 98, तो ये आएगा आपके 9801, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट दे रखा है आपके थर्ड वाला है 102 की पावर 2, तो ये हो जाएगा इसका मतलब होगा 100 + 2। इसमें हमें लगानी है आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ए का मतलब 100 है, बी का मतलब आपके 2 दे रखा है। सॉल्व करते हैं, ए का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर 2 इंटू ए का मतलब 100 और बी का मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है और ये वाला पूरा 1 है। 100 का स्क्वायर होता है आपके 10,000, 2 × 4 इंटू 100 400 और ये हो जाएगा 2 × 4, तो ये आएगा आपके 10,404। फोर्थ आपके दे रखा है 998 का स्क्वायर, ये 998 है ना, ये आपके है 1000 - 2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है 1000 से 2 कम है, तो यहां पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² होता है। इस आइडेंटिटी का क्या करना है अभी आपको यूज में लेना है, a का मतलब हो गया अभी आपके 1000, a का मतलब हो गया है आपके 1000, b का मतलब हो गया है आपके 2 और यह आएगा आपके 2 का स्क्वायर। अब देखो जितने जीरो है ना वो डबल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपके 3 जीरो है ना तो वो आपके 6 जीरो हो जाएंगे और ये आएंगे 2 × 4000 प्लस 2 × 4। अब इन दोनों को पहले ऐड करना है आपको, तो ये हो गया 1 2 3 0 4 5, 1 जीरो की जगह आप ये 4 ऐड कर लेना, माइनस कर देंगे यहाँ पर हम 4000, तो ये तो सेम आएगा आपके। अब 1000 - 4 इजिकल टू होता है 996 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 996,004, ये होगा हमारा आंसर। फिफ्थ आपके दे रखा है 5.2 का होल स्क्वायर। अब एक बार के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो अब नहीं भूले तो भी ये होता है अभी आपके 5 + 0.2, आपकी इच्छा पर जैसे आपको आता है ना, बिना पॉइंट के करेंगे तो क्या आएगा 50 + 2 ऐसा आएगा, ध्यान रखना भी इस चीज का। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ऐसे। अब हम क्या करते हैं भाई, यहां पर a का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, a का मतलब होता है 5, b का मतलब होता है 0.2 और यहां आएगा 0.2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 का होता है 25, 5 × 10, 10 का डबल होता है आपके 20 और यहां लग जाएगा आपके पॉइंट, क्योंकि एक ही है ना पॉइंट, यहां पर यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का हो जाएगा 4, स्क्वायर के कारण पॉइंट आपके 1 नहीं 2 छोड़कर लगेगा आपके यहां पर ऐसे, तो 25.00 है, अगला आपके 2.00 है, अगले आपके 0.04 है, 4072, तो ये आएगा आपके 27.04।
सिक्स आपके दे रखा है 297 × 303, तो ये नंबर आपके 300 से 3 कम है इंटू, और ये नंबर आपके 300 से 3 ज्यादा है, तो हमें लगानी है आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर होता है। लगाओ और सॉल्व करो। a का मतलब दोनों की जगह आपके 300 ही है, और b का मतलब इसकी जगह यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है भाई, माइनस की जगह माइनस आ चुका है, तो हमें माइनस को ध्यान नहीं देना है। ये हो रहा है अभी आपके 90,000 और ये हो रहा है आपके 9। सॉल्व कर लो 89991 ऐसे सिंपल सा है। मुझे आपसे 9.1 मिला सर। आ गया भाई ऋतिक राज। अरे हाँ सब कराएंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कराएंगे, टेंशन फ्री रहो भाई। बस आप आ जाना जरूर, नहीं आओगे तो फिर मैं क्या कैंसिल कर दूंगा सब। कोई आता ही नहीं है, ऐसे ही मैं अपने टाइम पास कर रहा था। अरे स्टार्ट एग्जाम्पल से ही करूँगा, टेंशन मतलब आप आते जाओ पहले। और देखो भाई ये नेक्स्ट दे रखा है आपके 78 × 82, तो ये नंबर इंटू ये वाला नंबर। 78 का मतलब होता है 80 में से 2 कम है, और ये नंबर है आपके 80 प्लस 2 है। अब लगाओ आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों का मतलब होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का मतलब हो गया भाई आपके 80 और b का मतलब हो गया आपके 2, तो ये आएगा 80 का स्क्वायर, इधर आएगा आपके 2 का स्क्वायर। 80 इंटू 80 होता है आपके 6400 और ये होता है 2 × 4 होता है, कर दो माइनस, तो ये आएगा 6396। सिंपल है। ये दे रखा है भाई आपके 8th वाला, इसमें लिखा हुआ है 8.9 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है भाई आपके 89 है, इसको आप 89 भी ले सकते हो, एक ही बात है, मतलब ये है आपके 90-1। तो यहां पर हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है आपके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहां पर हम, तो a का मतलब हो गया अभी आपके 90 का स्क्वायर 2 इंटू a का वैल्यू 90, b का वैल्यू 1 प्लस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। 90 का मतलब होता है 8100, इसका मतलब होता है आपके 180 प्लस 1। तो अगर इसको और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होता है 8100 और यहां पर आएगा 0 और 1, इसमें से करेंगे माइनस 180, ये हो गया 1। 10 माइनस 8 होता है आपके 2 और 80 माइनस 1 होता है 79, तो ये आएगा 7921। अब पॉइंट लगाओ आप वापस से, तो पॉइंट आपके यहाँ पर है और यहाँ एक ही छोटे पॉइंट लगाना है आपको, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 9 का स्क्वायर होता है आपके 81, तो 81 के बाद पॉइंट आएगा, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 0.0 आएगा आपके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 81.01 में से माइनस करेंगे 1.80 तो हमारा आंसर आएगा 79.21, ये होगा हमारा आंसर। 9 सबसे अलग ही दे रखा क्वेश्चन, या तो मिसप्रिंट है या ऐसे छपा हुआ है। अगर ये सही है, अगर लिखा हुआ तो सिंपल है भाई, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा भाई। आप मतलब इसका मतलब होता है 1 प्लस 0.05,
और 9.5 का मतलब होता है आपके 10 माइनस 0.5, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई आपको, 1 इंटू 10 10, 1 इंटू 0.5 0.5। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 0.5, और प्लस माइनस माइनस, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, एक यहां पर और दो यहां पर, तो तीन छोड़कर लगेगा आपके पॉइंट लगेगा आपके, कटे जो काट दो, तो आपके ये वाला और ये वाला आपके कट गया, हमें बचा ये वाला 10 माइनस 0.025। सॉल्व करो, मैं यहां पर करता हूं रफली, 10 में से माइनस करेंगे 0.025, तो एक इधर ट्रांसफर कर दो, दिया आएगा 100 माइनस 25 इजिकल टू होगा 75, और 9 का 9 तो ये आएगा 9.075। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है ये वाला, हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो ये लिखा हुआ है 51 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, ये फर्स्ट दे रखा है आपके, हमें लगानी है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही आपके माइनस में, तो यहां पर लिखेंगे 51 प्लस 49 एंड 51 माइनस 49, दोनों को ऐड करो तो 100, दोनों को लेस करो तो 2, ये हो गया आपके 200। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं सेकंड, 1.02 का होल स्क्वायर एंड 0.98 का होल स्क्वायर, यहां पर भी हमें ऐसा ही करना है, लगाओ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही आपके माइनस में, तो ये आएगा आपके 1.02 प्लस 0.98, 1.02 माइनस 0.98 ऐड करो तो 2 होता है, और अगर लेस करो, देखो पॉइंट को भूल जाओ एक बार, 102 102 में से 98 गए, कितना गैप है, 4 का गैप है, अब लगाओ वापस से पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 4 का डबल 8 हो जाएगा, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, समझ में आ जाएगा। अगला लेते हैं भाई हम थर्ड वाला, थर्ड आपके दे रखा है 153 माइनस 147 का होल स्क्वायर, लगाओ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही माइनस में, तो स्टार्ट करते हैं भाई हम यहां पर, एक बार दोनों को लिखना है आपको प्लस में और एक बार लिखना है दोनों को आपको माइनस में लिखना है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है आपके 300, दोनों को ऐड करें तो, दोनों को लेस करें माइनस करें दोनों को तो आता है 6, तो दोनों करो मल्टीप्लाई, ये होता है आपके 1800। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ये आएगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होगा, एक बार लिखना है दोनों को प्लस में, एक बार दोनों को लिखना है आपको माइनस में, तो ए का मतलब हो गया आपके 12.1 प्लस 7.9, एक बार दोनों को ऐड करना है एक बार दोनों को लेस करना है, दोनों को ऐड करें तो 20, दोनों को लेस करें तो 121 में 79 घटा दो, 11 में से 9 गए, 11 माइनस 2 इजिकल टू 2 हो जाएगा, 11 माइनस 7 इजिकल टू 4 हो जाएगा 4.2। अब 4.2 का डबल होता है आपके 84 और 0 का 0, और यहां लग जाएगा आपके पॉइंट, हमारा आंसर आएगा 84, क्या होगा अभी हमारा आंसर 84 होगा।
क्वेश्चन नंबर एट दे रखा है यूजिंग आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, तो ये दे रखा है 103 × 104, ये नंबर आपके 100 से 3 ज्यादा है और ये नंबर आपके 100 से 4 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा भाई आपके, सिंपल है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब x का मतलब क्या होता है भाई आपके 100 होता है, a का मतलब 3 एंड b का मतलब 4, तो ये आएगा आपके 100 का स्क्वायर, a का मतलब 3 b का मतलब 4, x का मतलब होता है आपके 100, a का मतलब 3 b का मतलब 4, तो 100 का स्क्वायर होता है भाई आपके 10,000, 4 एंड 3 होता है आपके 700, और ये होता है 4 3 12, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 10,712, अपने हिसाब से आप ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा भाई। अगला लेते हैं, नेक्स्ट है भाई आपके ये वाला, सेकंड दे रखा है 5.1 × 5.2, इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये नंबर तो आपका है 5 + 0.1 और इसका मतलब है 5 + 0.2, अब यहां लगानी है आइडेंटिटी, a प्लस ए नहीं लगेगा आपके, लगेगा x प्लस ए x प्लस बी, आइडेंटिटी बार बार लगाओ ताकि आइडेंटिटी आपको याद हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो x का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, a का मतलब होता है आपके 0.1 0.2 एंड x का मतलब होता है भी आपके 5, और ये आएगा भी आपके 0.1 × 0.2, तो ये होता है आपके 25। अब 0.1 और 0.2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो ऐड में पॉइंट आगे नहीं जाता है यही रहता है, इंटू 5 करेंगे तो ये होता है 15 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो ये होगा आपके 1.5, और यहाँ पर 2 × 1 = 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नहीं दो छोड़कर लगेगा पॉइंट ऐसे। अब सबको क्या करना है अभी आपको ऐड करना है, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, रफली ऐड कर लो 25.00 1.50 0.02 2562, तो ये आएगा अभी आपके कितना हो जाएगा 26.52 हो जाएगा ऐसे, सिंपल है। थर्ड आपके दे रखा है 103 × 98 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये नंबर 100 से 3 ज्यादा है और ये नंबर आपके 100 से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे भाई यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब होता है आपके, एक मिनट हो भाई आइडेंटिटी गलत लगा दी भाई, आइडेंटिटी लगाओ x प्लस ए x प्लस बी इजिकल टू होगा x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, तो x का मतलब होता है 100, a का मतलब यहां दे रखा है 3, b का मतलब है माइनस का 2, x का मतलब है 100, a का मतलब है आपके 3 और b का मतलब है माइनस का 2, 100 का स्क्वायर होता है आपके 10,000, 3 माइनस 2 होता है 1, 1 × 100 होता है 100, और ये आएगा 2 3 = 6,
देखो 10,000 100 माइनस 6 कितना होता है, 94 होता है। दोनों को ऐड कर लो तो ये आएगा 10,094। ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आपके आ जाएगा। फोर्थ आपके दे रखा है 9.7 इंटू 9.8, तो इसका मतलब हो गया अभी आपके ये है आपके 10 में से माइनस कर दो 0.3। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप यहां पर पॉइंट आप ध्यान में मत लगाओ, मान लो कि यहां पर पॉइंट है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन को कर लो। तो ये आएगा भाई कितना आपके 100 माइनस 3, और ये होगा आपके 100 माइनस 2 होगा। ऐसे मानो कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट बाद में लगा देंगे एंड में। अब लगाओ यहां पर आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो एक्स का मतलब क्या होता है अभी आपके 100, ए का मतलब होता है -3, बी का मतलब होता है -2, एक्स का मतलब होता है 100, ए का मतलब -3, बी का मतलब -2, ये होता है अभी आपके 10,000, और ये होता है आपके माइनस का 500, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा होता है आपके 6 होता है। 10,000 में से 500 माइनस करो तो ये आएगा 9,500 होता है, प्लस 6 कर दो तो ये आएगा आपके 9,506। अब लगाओ पॉइंट, तो पॉइंट यहां पर पॉइंट एक ही छोड़ के पॉइंट लगा दो यहां पर, और यहां पर भी पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट 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 पॉइंट, यहां पर भी यहां लगेगा तो, और यहां पर लगेगा 0 छोड़कर पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट और यहां पर आपके पॉइंट, ये आएगा 9,506, ये होगा हमारा